हेलो एवरीवन, आज मैं दो चीज़ों की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाला हूँ। एक है ओसाका का OS550 ट्राईपॉड और दूसरा है बोया का M1 माइक। पहले ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है। बॉक्स खोलते ही सबसे पहले मिलता है मोबाइल होल्डर, अच्छी क्वालिटी का है, सॉलिड लग रहा है। अब ये ट्राईपॉड कैरिंग बैग के अंदर आता है, बैग की क्वालिटी भी बढ़िया है, एक्चुअली काफी ड्यूरेबल बैग है ये। ट्राइपॉड के ऊपर ओसाका की ब्रांडिंग है, मैट ब्लैक कलर का है। तो ये ट्राइपॉड एल्यूमिनियम का है, काफी लाइट वेट है, 580 ग्राम्स। ट्राइपॉड की मिनिमम हाइट 415 mm है और मैक्सिमम हाइट 1365 mm, मतलब लगभग 4.5 फुट की हाइट है इसकी। तरह से क्लिप खोलकर इसकी हाइट आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्स डायमीटर यानी खड़े करने पर इसकी चौड़ाई मैक्सिमम 17.5 mm की है और मैक्स लोड कैपेसिटी इसकी 5 kg की है। इसका मतलब है 5 kg तक का कोई भी कैमरा आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं और सिनेमैटिक वीडियोस बनाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ट्राईपॉड की क्वालिटी तो बहुत ही शानदार है, मैं इस परचेज से बहुत ही खुश हूँ। ये मैंने चांदनी चौक से लिया था, कैमरा मार्केट से, 700 रुपीज़ का लिया था ये मैंने, और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इससे। अब आज की दूसरी आइटम की अनबॉक्सिंग करते हैं। आज मेरे पास है बोया का माइक है, बोया BY M1। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि अंदर क्या क्या है और इसके माइक क्वालिटी एक्चुअल में है कैसी, देखते। इसके जो भी फीचर्स है वो पीछे लिखे हुए हैं। अब अंदर देखते हैं। ये एक गाइड है, तो इसके अंदर क्या क्या लिखा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस माइक की पहले से मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ लेकिन ये दोबारा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पाउच की क्वालिटी अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब आते हैं माइक के ऊपर। माइक की वायर सच में बहुत लंबी है। इसके साथ एक ही क्लिप था ताकि आप माइक को अपनी जगह पे होल्ड कर पाए शर्ट में लगा के। एक फॉर्म आता है इसके साथ, इसके ऊपर लगाने के लिए माइक के। जैसे कि आप देख सकते हो वायर बहुत ही लंबी है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। जो इसका जैक है ये गोल्ड प्लेटेड है। अगर आपने फोन के साथ इसे यूज करना है तो उसमें तो ये डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट आपने फोन में लगाना 3.5 mm जैक में, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको आपने अपने DSLR के साथ चलाना है तो इसको पहले तो कैमरा मोड में करना है आपने ऊपर, और उसके बाद खोलना, इसे खोल के अंदर सेल लगेगा। सेल आपने अलग से बाय नहीं करना, ये पाउच के अंदर ही आता है सेल। तो ये आपने लगा देना इसके अंदर, क्लोज करो आप और आप यूज कर लो DSLR के साथ। लेकिन मोबाइल के साथ मेरे को यूज करना, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक कैच है। कैच ये है, जो मोबाइल का अपना कैमरा ऐप है उसके अंदर ये माइक सपोर्ट नहीं होता, उस पर वीडियो बनाऊंगा आवाज नहीं आएगी इससे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना है, उससे वीडियो बनानी है, उसके साथ ये माइक काम करेगा। अब एक बार माइक लगा के देखते हैं उससे कैसी आवाज आती है, वो सुनते हैं, तो उससे पता चलेगा कि ये अच्छा माइक है या नहीं। लेट्स ट्राई। तो अभी ये आवाज है फोन के इंटरनल माइक से। अब बोया का माइक लगा के देखेंगे इससे कैसी आवाज आती है, आइए चेक करते हैं।
अब मैंने ये बोया का माइक लगा लिया है तो आई होप पहले से लाउड और क्लियर आवाज़ होगी और सही में अच्छी आवाज़ है इस ओपन एनवायरनमेंट में भी। तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।